पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गांधीनगर में 37वां वार्षिक उत्सव बहुत ही श्रद्धा भाव से वैदिक सत्संग द्वारा मनाया गया। नजीबाबाद से पधारी आचार्य प्रिया वेद भारती ने इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए बताया कि सभी पुण्य के भागी हैं जो सत्य सनातन वैदिक धर्म का अनुसरण करते हैं। परिवार समाज राष्ट्रीय उन्नति पथ पर सभी अग्रसर होते हैं। जब चारों वेद के अनुसार मानव जीवन व्यापन करने लगता है तो वे श्रेष्ठ कर्म करता है। नजीबाबाद से पधारे महानगर की कार्यक्रम में आर्य समाज के अनेक पदाधिकारी व सदस्य भारी संख्या में उपस्थित रहे। तो बड़ी सोचनीय बात है कि हम कैसे जगेंगे। इसमें मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि आप सबको जगना है। आप भले ही यहां पर संख्या में थोड़े हैं लेकिन मैं मानती हूँ आप जो है यहाँ पर क्रीम के रूप में है, बहुत है। आप इस आवाज को और आगे फैलाइए और जो जो यहाँ पर कहा जा रहा है मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी कुछ कह रही हूँ, जो मैंने अनुभव किया है उसको आप अन्यत्र प्रसारित कीजिए और प्रसारित कीजिएगा तो निश्चित आप स्वराज्य को स्वराज्य बनाने में सफल हो पाएंगे। स्वामी दयानंद ने जिस भारत की कल्पना की थी। आज वैदिक सत्संग हरपाल नगर में 37वां वार्षिक उत्सव था। 1982 में वैदिक सत्संग की स्थापना की थी माता जनक देवी ने, माता यशोदा जी ने, स्वामी शरदानंद जी ने और सुमित्रा वैश्य ने। ये निरंतर पहले छोटे गांधी पार्क गांधीनगर में होता था, फिर कुछ परिस्थितिवश 1996 से ये इस बड़े पार्क में होता है। तब से निरंतर हर शुक्रवार को यहाँ पे यज्ञ होता है, हवन होता है और विद्वान आते हैं। हर वर्ष यहाँ वार्षिक उत्सव होता है जिसमें भी बताया जाता है कि नारी सशक्तिकरण आज की ही बात नहीं है, हमारे देश की तो नारियाँ ऐतिहासिक रही है जिनको अपना पति तक चुनने का अधिकार था। क्या कई को युद्ध विद्या में निपुण थी और पति दशरथ के साथ युद्ध में गई थी और आज नारी जो सशक्तिकरण की मांग करती हैं उन्हें यहाँ समय समय पर अधिकारों के लिए नहीं कर्तव्यों के लिए भी चेताया जाता है कि जहाँ नारी पढ़ी लिखी होगी, उनकी संतान पढ़ी लिखी होगी तो वो नारी देश राष्ट्र मायके और ससुराल को शान बढ़ाएगी। और आज इस समय नजीबाबाद से हमारे मध्य गुरुकुल से पधारी हैं आचार्य प्रेमवता वेद भारती जी और उनके साथ गुरुकुल की 6 कन्याएं आई हैं जिन्होंने सुबह भी यज्ञ हवन किया और उसके बाद मधुर गीत और प्रवचन दिए और इस समय भी वो अपने प्रवचन से हम लोगों को लाभान्वित कर रही हैं और जागरूक कर रही हैं।